जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए 10 दिसंबर, बी 31 दिसंबर, सी 2 जनवरी या डी 15 जनवरी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया, अखिल भारतीय किसान सभा का केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना। अखिल भारतीय किसान समन्वयक सभा द्वारा कृषि नीति एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मौके पर किसानों की समस्याओं को लेकर किसान सभा के बैनर तले पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। धरना में सभा को संबोधित करते हुए महासभा के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि मनुस्मृति की बात करने वाले मोदी सरकार द्वारा सामंती पूंजीपतियों के पक्ष में किसान विरोधी 3 कानून और बिजली कानून 2020 पास कर किसानों पर दोधारी तलवार चला दिया है। किसानों नीलहे किसानों और मजदूरों को आत्महत्या के हालात में धकेल रही है। वहीं मौके पर भाकपा माले स्टेट कमेटी सदस्य कॉमरेड पंकज सिंह, कॉमरेड जयप्रकाश शर्मा, कॉमरेड सुशील कुमार भारती, कॉमरेड सुभाष दास, कॉमरेड फागु मंडल, ईश्वर मंडल, दशरथ प्रसाद सिंह, रविंद्र रमन, पुरुषोत्तम दास, राधेश्याम रजक, मनोज कुमार, त्रिवेणी शर्मा, रामचंद्र मंडल आदि वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित किया। अनुमंडलाधिकारी से बात किए, बात होती है, आप किसी पदाधिकारी के यहाँ जाइए तो बात होगी, लेकिन सरकार के पीछे यहाँ से जाना पड़ा। और ये जो काले अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं, सबों को बेरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को उसके अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लड़ाई उसको भी सात समुंदर पार तो हम नहीं कहते, क्योंकि एक साथी ने कहा उसको यही दफन करेंगे, हम उसके साथी के साथ हैं। कि ये तमाम काले अंग्रेज यहाँ धरना हुआ था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर के, किसानों को जो 3 बिल और बिजली बिल लाया गया है, किसानों का ये विरोधी बिल है, किसान इसमें पिसे जाएंगे, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। पंजाब हरियाणा में जो बिजली बिल फ्री मिलता था, बिजली फ्री मिलता था, अब उस पर चौगुना बिजली बिल वसूल किया जाएगा। इसके खिलाफ आज राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में हर एक प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी के तहत यहाँ भी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। मैं बिंदेश्वरी मंडल, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला सचिव। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया में श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में मारवाड़ी विवाह भवन में मनाया गया श्री श्याम जन्मोत्सव। श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया में श्री श्याम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और खूब आतिशबाजी एवं केक काट कर मनाया गया। वहीं मौके पर भक्तों के बीच टॉफी, खिलौने और मिठाई बांटे गए। वहीं इस कार्यक्रम में कोलकाता से आए भजन गायकों द्वारा नए नए भजनों से श्रोताओं को खूब झुमाया गया। कार्यक्रम में श्री श्याम भक्त मंडल के सभी सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे।
क्या बात है, गोपालपुर सुरक्षित नौका परिचालन संबंधित वेबिनार का आयोजन। आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अंचल कार्यालय के सभागार में अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल व उप प्रमुख दयानंद यादव की मौजूदगी में सुरक्षित नौका परिचालन को लेकर एक दिवसीय वेबिनार आयोजित कर नाविकों को सुरक्षित नौका परिचालन के टिप्स के बारे में बताए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी देखी गई। इस्माइलपुर स्थित स्पर संख्या एक के अप स्ट्रीम में भीषण दरार के साथ कटाव, ग्रामीणों में दहशत। इस्माइलपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्पर संख्या एक के अप स्ट्रीम में शुक्रवार की सुबह से अचानक भीषण दरार के साथ कटाव होने से आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के घर वहां मौजूद हैं। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मुखिया प्रतिनिधि पूर्व मुखिया मनोहर मंडल को दी। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को दी है। पूर्व मुखिया मनोहर मंडल ने बताया कि कटाव के कारण किनारे में लगी कई नावें बह गई। उन्होंने बताया कि कटाव काफी तेजी से होने के कारण दर्जनों ग्रामीणों का घर कभी भी गंगा नदी में समा सकता है। उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने जल्द ही स्पर संख्या एक पर पहुंचकर निरीक्षण करने की बात कही है। नवगछिया कदवा के कंचनपुर समीप कोसी नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। नवगछिया के कदवा के कंचनपुर समीप कोसी नदी में शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। खेतों में करने काम जा रहे कुछ स्थानीय लोगों ने नदी किनारे जब युवक के शव को देखा तो इसकी सूचना कदवा ओपी थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कदवा ओपी पुलिस के साथ थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर नदी थाने की पुलिस को सौंप दी है। युवक सांवले वर्ण के हैं, जो लाल रंग के चेक वाला हाफ पैंट व सफेद लाल छीट वाला फुल शर्ट पहने हुए है। नदी थाना प्रभारी मोहम्मद मकबूल अहमद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर नदी थाने में रखा गया है। देर रात तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। नवगछिया के रंगरा पीएससी में 275 लोगों का कोरोना टेस्ट, सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रंगरा पीएससी में शुक्रवार को 275 लोगों का कोरोना टेस्ट रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जांच के बाद समूह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंगरा पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि रंगरा पीएससी में रोजाना कोरोना जांच किया जा रहा है। जिन लोगों को सर्दी खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ हो वे पीएससी आकर आसानी से टेस्ट करवा लें। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने की भी सलाह दी है। नवगछिया अलग अलग स्थानों पर आग लगने से कई लोगों के घर जले। गोपालपुर व इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में आग लगने से कई लोगों के घर जलकर राख हो गए। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 519 केलाबाड़ी गांव में शुक्रवार की दोपहर को अचानक आग लगने से अजबलाल मंडल व किशन मंडल के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जिला परिषद विपिन मंडल ने बताया कि दोनों ही गरीब हैं। तत्काल दोनों परिवार को सहायता उपलब्ध करवाने की मांग जिला परिषद ने किया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बिनटोली गांव में भी दो लोगों के घर जलने की सूचना है। लालू यादव को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग। रंगरा भाजपा मंडल के अध्यक्ष वरुण सिंह और भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार का फायदा उठाकर लालू जी बीमारी का बहाना कर रांची जेल के बजाय अस्पताल में रह रहे हैं और अस्पताल से अपने बेटों को कुर्सी पर बिठाने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं और विधायकों फोन कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि कानून और संविधान सबके लिए बराबर होता है। लालू जी एक सजायाफ्ता अपराधी हैं और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखना ही जनता और लोकतंत्र के लिए उचित होगा। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।
हत्याकांड के आरोपी पप्पू यादव ने न्यायालय में किया समर्पण। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड निवासी पप्पू यादव ने नौगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी के विरुद्ध इस्माइलपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज थी, जिसमें वह नामजद आरोपित है। न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है। इस संबंध में इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि आरोपित ने दो हत्या के मामले में न्यायालय में के समक्ष समर्पण किया है। कमलाकुंड के ही मुकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें वह नामजद है। आरोपित का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश बनाए हुए था। हथियार के बल पर निजी जमीन पर दखल करने का आरोप, नौगछिया एसपी को दिया आवेदन। अपने 7.5 डिसमिल जमीन को हथियार के बल पर जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से जोत देने को लेकर कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के कटरिया निवासी नीरज कुमार ने नौगछिया एसपी को आवेदन दिया है। अपने आवेदन में नीरज कुमार ने बताया कि नौगछिया अंचल के अंतर्गत नगर स्थित 7.5 डिसमिल जमीन को रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी अशोक यादव, बमबम यादव एवं कन्हैया झा आदि ने हथियार के बल पर जबरदस्ती दखल कब्जे की नीयत से जोत दिया है। जानकारी होने पर जब मैं इस बात को लेकर अशोक यादव से पूछने गया तो तीनों व्यक्ति ने मुझे हथियार दिखाकर जान मारने की धमकी दी और कहने लगे कि तुम बाहरी हो, इसलिए अब यह जमीन हम ही जोतेंगे। वहीं आवेदन पर लेते हुए नौगछिया एसपी ने रंगरा पुलिस को जांच का आदेश दिया है। साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से हुआ घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव के बजरंगबली मंदिर के निकट 14 नंबर सड़क पर अभिया गांव निवासी राजकुमार मंडल को गोपालपुर की ओर से जा रहे अज्ञात वाहन के द्वारा धक्का मार दिए जाने के कारण साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना गोपालपुर पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने तत्काल घायल राजकुमार को इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया, परंतु गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने नवगछिया।